हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हरिद्वार में हूँ निष्काम से। मैं हर की पौड़ी पर जा रही हूँ। मैं तो चलिए हर की पौड़ी पर जाने का मैं पूरा आपको रास्ता और बताती हूँ कि कैसे कैसे हम गए। चलिए अब हम ई रिक्शा करते हैं। ई रिक्शा में बैठ के मैं आपको पूरे रास्ते आपको दिखाऊँगी, बाज़ार वगैरह। ये देखिए हर की पौड़ी में जाते टाइम ये सारे बाज़ार हैं, बहुत ही सुंदर बाज़ार हैं, जहाँ पर हर चीज़ मिलती है, माला वगैरह, ये सिंदूर। ये देखिए ये पानी, जल ले जाने के लिए, गंगा जल ले जाने के लिए केन वगैरह सब कुछ मिलता है। अब हम हर की पौड़ी पे पहुंच गए हैं। हर हर गंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है हर की पौड़ी का। ये देखिए यहाँ पे ये केन है और ये फूल हैं जो हम आरती में चढ़ाते हैं, फूल वगैरह। ये शाम का टाइम है, इस टाइम आरती की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे। ये देखिए ये बाहर का हर की पौड़ी के बाहर का दृश्य है। नींबू पानी, गोलगप्पे, टिक्की, सब कुछ लगा हुआ है बाहर। और ये यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। अगर आप गरीबों को खाना खिलाना चाहते हैं प्रतिपक्ष में, तो यहाँ खाना भी खिला सकते हैं। चलिए अब हम पहले जूते रखते हैं, चप्पल जूते रखते हैं हम बाहर, और फिर हर की पौड़ी की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये सारा बाजार है और ये एंट्रेंस है। अब ये नई एंट्रेंस बनी है, जब महाकुंभ था तभी ये एंट्रेंस वगैरह सब कुछ नया बनाया हर की पौड़ी पे। ये एंट्रेंस है और ये सामने, अब हम जूते चप्पल जमा करवाते हैं। ये जूते और मैंने और मेरी फ्रेंड ने जमा कराए। और चलिए अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए ये एंट्री है। अब सब कुछ न्यू बन गया है हर की पौड़ी पे। जब से महाकुंभ शुरू हुआ था तो सब कुछ न्यू बना है। ये देखिए कलरफुल, ये देखिए ये प्राचीन मंदिर, घंटा घर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए लोग अपने पितरों को तर्पण के लिए आए हुए हैं, तो इसलिए हम भी आए हुए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है, मन करता है कि घर वापिस ही न जाएं। ये ब्यास गद्दी थी, ये यहाँ ब्यास गद्दी है और यहीं पे पास में ही आरती की तैयारी की थाली रखी हुई है, क्योंकि शाम के टाइम की आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देखिए ये आरती के लिए तैयारी, ये ब्यास गद्दी है। ये देखिए आरती की थाली लेके जा रहे हैं, जगह जगह आरती की तैयारी हो रही है, चारों तरफ पंडित जी फूल और आरती के साथ की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए ये पंडित जी भी फूल वगैरह लेके बैठे हैं, आरती की तैयारी में लगे हुए हैं सारे। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। चारों तरफ दृश्य देख के मन ऐसा करता है कि गंगा के पास ही यहीं पे बैठे रहें, क्योंकि वहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है कि मन नहीं करता कि वापस भी घर की तरफ आओ। ये देखिए फूल गंगा जी पे चढ़ाए जाएंगे, लोग अभी आरती में फूल चढ़ाएंगे। कोरोना टाइम चल रहा है लेकिन मुझे यहाँ नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई कोरोना है। चलिए हम भी पंडित जी के यहाँ पे अपना सामान रखते हैं और गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद पितरों का तर्पण करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पहले मंदिर खंडित हो चुका था, अब ये नया बन रहा है। ये बीच में जो गंगा के बिल्कुल बीच में है, ये देखिए चारों तरफ पंडित ही पंडित बैठे हैं और सब आरती की तैयारी में लगे हुए हैं। ये देखिए आरती की तैयारी हो रही है। गुरुजी
हर हर गंगे, हर हर गंगे। चलिए पंडित जी के पास अपना सामान रखते हैं और स्नान करते हैं। लोग पूजा कराते हुए पंडित जी से अपने पितरों को तर्पण करते हुए पितृपक्ष में हर हर गंगे, हर हर गंगे। सामान हमने पंडित जी के पास रख दिया और अपना मोबाइल और अपना पैसे वगैरह जो हैं सब पंडित जी को दे दिए हैं। और चलिए अब हम गंगा स्नान करते हैं। पितरों का तर्पण, पितरों को तर्पण करते हुए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सुख शांति दो सबको। अब पंडित जी से मोली और पूजा कराते हुए पंडित जी से मोली और पूजा कराने के बाद और पंडित जी से आशीर्वाद लेने के बाद हर हर गंगे, हर हर गंगे।